Hello dear agrarians, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Friends, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक कृषि के प्रश्नों को लेकर आपके लिए आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक एग्जाम के लिए. सो यहाँ पे अगर पहला वन लाइनर अपन देखें तो तंबाकू की पत्तियों में कितने प्रतिशत निकोटीन होता है, तो 8% होता है. अगला देखते हैं, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है, तो 18 से 21%. दलहनों में प्रोटीन की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 18 से 25%. सौंफ के तेल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन सा तत्व होता है, फेक्रॉन व एथिनॉल, याद रखना. अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण क्या होता है, तो जीनोम डी. ये क्या है, गेहूं में जो रोटी है वो स्वादिष्ट होने का कारण होता है. गेहूं का रोटी जो खाते हैं ना अपन, तो वो इतना अच्छा क्यों लगता है, तो जीनोम डी के कारण अच्छा लगता है. गन्ने में सुक्रोज की मात्रा, ठीक है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है, तो 14 से 17%. यहीं पे भूरी सरसों में वसा की मात्रा अगर पूछा जाए तो कितना, तो 47.4%. आगे देखते हैं, आगे आपका कि प्याज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो प्याज में आयोडीन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. तो अगर आप सब्जियों में प्याज यूज़ करते हो, ठीक है ना, वैसे जनरली सभी करते हैं लेकिन कई लोग नहीं करते, लेकिन अगर सब्जी यूज़ करते हो आप, सब्जियों में यूज़ करते हो आप प्याज का, तो जो नमक की मात्रा है उसको हल्का सा डाला कीजिए, क्योंकि वैसे भी प्याज में आयोडीन की मात्रा उपस्थित होती है. इसके बाद है, मूंगफली के दानों में वसा की प्रतिशत मात्रा, तो 45 से 50%. गन्ने में क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या कितना होता है, तो 2N इक्वल कितना होता है, 80, ठीक है. इसके बाद है, चने में गुणसूत्र की संख्या, तो 2N बराबर 14 होता है. काबुली चना की बात करें तो 2N बराबर 16 होता है. वही बाजरे में अगर क्रोमोसोम नंबर बात करें तो 14 होता है. अरहर की गुणसूत्र संख्या, तो अरहर की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 20 होती है. मसूर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है. तो याद रखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि सस्य विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है. सस्य विज्ञान, इसको इंग्लिश में अपन एग्रोनॉमी बोलते हैं, एग्रोनॉमी, ठीक है. तो जो एग्रोनॉमी है या सस्य विज्ञान शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है. अगर लास्ट में लॉजी लगा रहा हो तो वो वर्ड अक्सर ग्रीक भाषा का ही होता है. इसके बाद अगला बनता है क्वेश्चन कि गेहूं की प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए, तो गेहूं में प्रथम जो सिंचाई है, CRI अवस्था जो होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. CRI जिसको अपन क्राउन रूट इमर्जेंस बोलते हैं, तो हिंदी में मुकुट जड़े बनते समय, क्राउन जड़ बनते समय, ठीक है, गेहूं में प्रथम सिंचाई करना चाहिए. अगला, सामान्यतः चारे के लिए उगाई गई जई की कितनी कटाई करते हैं, तो कितनी करते हैं, 4 कटाई करते हैं. जो अपन जई लगाते हैं, ठीक है, तो जो जई लगाते हैं तो सामान्यतः चारे के पर्पज जो जई लगी होती है, तो उसकी कितनी कटाई करते हैं, तो 4 बार उसकी कटाई अपन करते हैं. अगला क्वेश्चन बनता है कि कटाई के तुरंत बाद मसूर के बीजों में किस प्रकार की प्रसुप्ति होती है, तो निरोधक प्रसुप्ति होती है. कटाई के तुरंत बाद मसूर का जो बीज होता है उसमें निरोधक प्रसुप्ति होती है, ठीक. अगला क्वेश्चन बनता है कि सूरजमुखी का पौधा कैसा होता है, तो डे न्यूट्रल प्लांट होता है. टमाटर भी डे न्यूट्रल प्लांट है. दीप्त उदासीन बोलते हैं इसको, ठीक है, और पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, ठीक है, जो सूरजमुखी का पौधा है डे न्यूट्रल है. डे न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसको प्रकाश की कोई भी, मतलब प्रकाश से कोई भी उसको हानि नहीं पहुँचता. डे न्यूट्रल का मतलब यही है, प्रकाश निष्प्रभावी पैदा होता है, पौधा होता है जो सूरजमुखी है वो. ट्रिटिकेल का विकास कब हुआ था, तो ये मानव निर्मित धान्य से है, ठीक है, और गेहूं और राई इन दोनों के क्रॉस से क्या किया गया है, जो ट्रिटिकल है इसका विकास किया गया है, ठीक है, और मानव निर्मित ये धान्य होता है जो ट्रिटिकेल है. इसके बाद सरसों पर ज़्यादा एफिड कब आक्रमण करते हैं, तो जब बादल छाए होते हैं, तो उस टाइम सरसों पर ज़्यादा जो एफिड है उसका अटैक होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या पर कृषि पर आधारित है, तो 65 से 70% जो है वो कृषि पर ही आधारित है हमारी भारत की जनसंख्या.
अगला क्वेश्चन है कि आलू के कंद बनने के लिए इष्टतम तापक्रम क्या है? तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, तब आपका जो आलू है उसका कंद बनता है, ठीक है। इष्टतम तापक्रम टेम्परेचर 17 से 19 डिग्री। पौधों में नमी की कमी के कारण कौन सा रसायन अधिक मात्रा में एकत्रित होता है? तो एब्साइक्स अम्ल जो है ये होता है, ठीक है, अधिक हो जाता है अगर नमी की कमी हो जाती है पौधों में। तो C3 पौधे कौन से हैं? तो मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन, ये सारे क्या हैं? C3 हैं। C4 कौन कौन से हैं? तो गन्ना, मक्का, सुडान, घास, बाजरा, ये सब क्या हैं? C4 पौधे होते हैं। दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? तो पुरानी पत्तियों से, ठीक है, पुरानी पत्तियों से। अगला क्वेश्चन बनता है कि अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कितने कारकों की पहचान हुई है? तो 52 कारक, ओके, जो कि क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। कितने कारक? 52 कारक अभी तक पहचान किए जा चुके हैं। अगला है, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या बोलते हैं? तो परिमित वृद्धि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? परिमित वृद्धि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में क्रॉप लॉगिंग का विकास किसके द्वारा किया गया? तो C.F. क्लीमेंट द्वारा गन्ने में क्रॉप लॉगिंग का विकास किया गया, ठीक है, C.F. क्लीमेंट के द्वारा। क्रॉप लॉगिंग तकनीक किस देश में ज़्यादा प्रचलित है? तो हवाई में। सस्य सूचक को प्रदर्शित करते हैं, तो सस्य सूचक जैव उत्पादन अपान आर्थिक उत्पादन, ठीक है, जो सस्य सूचक है इसका क्या है, फॉर्मूला है। इसके बाद है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश सर्वाधिक उपयोग करते हैं? तो कौन सा? आपका लाल रंग का। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश सर्वाधिक उपयोग करते हैं? तो लाल रंग का उपयोग करते हैं। अगला है, खेती में की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम कितना चाहिए? तो 15 से 40 डिग्री सेल्सियस उचित तापक्रम होता है अधिकतर फसलों के लिए अगर खेती की जाए तो, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये वन लाइनर अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारा सा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान।